घर पर हम जब कोई चाट, रगड़ा, वड़ा पाव जैसी डिश बनाते हैं, तब हमें इसमें लाल मिर्च और गार्लिक की चटनी की जरूरत होती। अगर ये चटनी हमारे पास फ्रिज में अवेलेबल हो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाए। आज हम यही चटनी बनाएंगे जो हम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें कुछ हम घर के ही प्रिजर्वेटिव डालेंगे जो जिसे ये चटनी है लंबे समय तक वैसे की वैसे ही रहे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर। लाल चटनी बनाने के लिए मैंने 15 से 20 लाल सूखी मिर्च को 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अगर आपके पास इतना टाइम न हो और फिर भी आप ये चटनी बनाना चाहते हो तो 30 सेकंड के लिए लाल मिर्च को आप माइक्रो कर लें या तो फिर आप उबलते हुए पानी में इसे भिगो। सबसे पहले हम इसे छान लेंगे और इसमें से एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल लेंगे। मैंने लाल मिर्च में से बीज निकाल लिए हैं। आप चाहो तो थोड़ा बीज रख सकते हो तो और स्पाइसी ये चटनी आपकी बनेगी। अब एक पैन में 1 चम्मच जितना तेल डाल देंगे और उसे गरम होने देंगे। उसी में डाल देंगे करीब 25 से 30 मैंने ये लहसुन की कलियां ली है। 1 मिनट के लिए हम इसे ऑयल में सोते कर लें। 1 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और जो हमने मिर्च भिगो के रखी थी वो भी डाल दें। उसे भी हम अच्छी तरह सोते कर लें। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लाल मिर्च और लहसुन को क्रश करके इसकी चटनी हम बना सकते हैं, पर इस तरह से करने से चटनी का टेस्ट तो बढ़िया आएगा ही, साथ में इसका सेल्फ लाइक भी बहुत बढ़ जाएगा। दो मिनट बाद गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसके हल्का ठंडे होने के बाद इसकी पेस्ट बना लें। 2 चम्मच पानी डालकर मैंने ये लाल मिर्च और लहसुन की पेस्ट बना ली है। फिर से उसी पैन में 1 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। अगर आप इस चटनी को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हो तो ऑयल की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हो। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तभी उसमें हम पेस्ट डाल देंगे। अगर ज्यादा ऑयल गर्म हो जाएगा तो लाल मिर्च है वो जल जाएगी। इसे हम धीमी आंच पर ऑयल में एक बार रोस्ट कर लेंगे। इससे जो चटनी का स्वाद है वो बढ़ जाएगा। अब उसमें हम डाल देंगे 1/2 कप जितना जो पानी हमने छान के रखा था। मिक्सी की जार को में भी थोड़ा पानी डाल दिया है। उसी में हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। लाल मिर्च की तिखास को बैलेंस करने के लिए मैं ये डाल रही हूँ 1 टीस्पून चीनी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो चीनी मत डाल लें। अब इसे हम कुक कर लेंगे। इस चटनी को आप चाट, पाव भाजी के साथ सर्व कर सकते हो या तो फिर पंजाबी, चाइनीज, मैक्सिकन डिश में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जब भी आपको मन करे ये चटनी अगर आपके पास रेडी हो तो आप तुरंत से पेल भी बना सकते हैं। अगर इस चटनी को आप पाव भाजी के साथ सर्व करोगे तो पाव भाजी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे
एक टीस्पून जितना विनेगर, विनेगर है जो तीखास को भी बैलेंस करेगा और साथ में ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। चटनी में से ऑयल रिलीज हो चुका है, तो गैस की फ्लेम ऑफ कर कर अब इसे हम ठंडा कर लें। इस चटनी को हम ठंडी होने के बाद कांच की बोतल में भर कर फ्रीज में 1 महीने तक और फ्रीजर में 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आपको मेरी ये लाल मिर्च और लहसुन की चटनी की रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।